क्या बताऊं, भ्रमण करते करते साधकों से मिलती हूँ, ऐसे ऐसे अनुभव सुनाते हैं। कई बार मुझे लगता है कि हम आश्रमवासियों से ज़्यादा तो साधकों ने बापू से पा लिया है। झोलियाँ सबकी भरी हुई देखी, दाता तुझे देते हुए नहीं देखा। यही इसी प्रांगण की बात है। उत्तरायण की शिविर चल रही थी, बापूजी सत्संग पूरा करके कुटिया की तरफ जा रहे थे। अचानक से किसी ने बताया, बापू जिनको संतान नहीं है वो लोग बैठे हैं। अच्छा चलो तो मैं पहले यहाँ आता हूँ। सुबह से गुरुजी आए थे, सत्संग चला था, ध्यान चला था, जा रहे थे विश्राम की ओर, लेकिन फिर मुड़ गए, वापस आ गए। और जितने लोग बैठे थे सबको अपने हाथों से प्रसाद दिया। और एक बहन मेन गेट पर थी, वो दौड़ी दौड़े आ रही थी। उसको किसी ने फ़ोन किया था कि आज बापूजी संतान रतन लुटाने वाले हैं, दौड़ो। वो मणिनगर ईसनपुर की रहने वाली है। दौड़ती दौड़ती मेन गेट पे आई हैं, तब पता चला बापूजी नीचे आ गए। उसमें जितनी ताकत थी वो यहाँ से दौड़ी और बिल्कुल आखिरी में आके बैठी, क्योंकि वो हाँफ रही थी और बिल्कुल आखिरी में आगे आने की तो अब जगह ही नहीं मिली। तो बिल्कुल पीछे जब बैठी और गुरुजी चलते चलते जब पीछे से गए तो बिल्कुल हाँफ रही थी। तो गुरुजी ने कहा, हाँफ क्यों रही है? कहा, बापू मुख्य द्वार से दौड़ी हूँ और बापूजी 7 साल हो गए हैं, संतान नहीं है, झोली खोल। वो हाँफ रही है और गुरुजी ने कहा, झोली खोल। एक प्रसाद, दूसरा प्रसाद, तीसरा प्रसाद, 3 प्रसाद इसी वृक्ष के नीचे उसको। देने वाला दाता दे रहा, देता दिन और रहन, पर दानी दिखता कहाँ। बापू तो कृपा बरसा के चले गए और 1.5 साल बाद फिर इसी मंच पर वो 3 बेटों को लेकर आई। वो कह रही, बापूजी आपने दिए हैं। बापू ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहा, बापू आप मुझे नहीं जानते हो पर मैं आपको भूल नहीं सकती। तो कहा, कब दिए? तो कहा, बापू पेड़ के नीचे दिए और मैं हाँफ रही थी। कहा, बापू मैं भागती आई हूँ। तो कहा, ला, 1 ले 2 ले तीसरा ले। तो बापूजी अब 3 रत्न आपके चरणों में लाई हूँ। 3 लाल हैं, आपने ही दिए हैं, अब नाम भी आप ही देना। गुरुजी ने कहा, मैं 3-3 को पकड़ूंगा कैसे? फिर 1 को लिया, दूसरे को लिया, फिर 2 को वापस करके तीसरा दिया। ऐसे करके 3 को बापूजी ने सिर पर हाथ रखा और जैसे जैसे बापू 1-1 को लेते गए और गुरुजी ने नाम रखा कि ओम जय जगदीश, ऐसे नाम बापूजी ने यहाँ रखे। तो तेरे द्वार पर आना हमारा काम है, बाकी आगे हमारी बिगड़ी संवारना ये तेरा काम है। और कितनों की बिगड़ी संवारी, लाखों की सवारी, करोड़ों की संवारी। अभी भी हम बैठे जहाँ हैं, पूरा भारत बैठा है यहाँ, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। और हम क्या सोच के आते हैं, हम शिविर भरने चाह रहे हैं, परदाता हमें सोच रहे हैं मैं तुम्हें भगवान से मिलवाने आया हूँ, मैं तुम्हें ईश्वर से पाना।